आप सबका स्वागत है लाइव चैट शो सच है या धोखा में। आइए मिलते हैं इलेश जी से, जिसने जादूगर जोरावर का पर्दाफाश किया। देखे, आज मैंने जादूगर जोरावर को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। फिर भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है सोहन जी, कि आज आप ये डिबेट कर ही क्यों रहे हैं? वो तो ठीक है, मगर आज सारा देश ये जानना चाहता है कि आज आपने जादूगर जोरावर के शो में जो किया, क्या वो मल्लिका जी के कहने पे किया? क्या बिन फालतू की बात कर रहे हैं आप? नहीं सोहन, बिल्कुल भी नहीं। मेरे कहने पे क्यों? मतलब मैं तो इलेश को जानती भी नहीं हूँ, और लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी इलेश ने किया है जोरावर के खिलाफ, मैं उसका पूरा समर्थन करती हूँ, क्योंकि ऐसे झूठे और जो फरेबी जादूगर होते हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, उनको इसी तरह एक्सपोज करना चाहिए। तो मैं इसमें इलेश के साथ हूँ। बिल्कुल सही कहा मैंने। एक मिनट, मैं भी एक अनुभवी जादूगर हूँ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जोरावर ढोंगी नहीं है, क्योंकि जादूगर के लिए जादू एक तपस्या है, फिर वो चाहे आत्माओं की हो या आंतरिक मन की। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हर जादूगर का कनेक्शन होता है आत्माओं से? तो मल्लिका जी, आपका भी कनेक्शन होगा आत्माओं से? नहीं सोहन, ये मेरा ऐसा कोई आत्माओं के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा जो कनेक्शन होता है वो सिर्फ ये जो झूठे और जो फरेबी जादूगर होते हैं ना, सिर्फ इन्हीं का हो सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भी फरेबी हूं। अरे फरेबी तो ये मल्लिका है, जोरावर जैसे जो जादूगर के खिलाफ जलन के मारे षड्यंत्र रचा। कुछ भी मतलब। अरे आप लोग झगड़ा मत कीजिए, एक दूसरे की बात सुनिए। आप इलेश, ये क्या हो रहा है? ये हवा में कैसे उड़ रहा है? ये कैसे जा रही? इलेश आप ठीक है? उड़ रहे हैं, ये मार देगा इसको। इस समय हम इलेश के घर के बाहर खड़े हैं। सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि इलेश की हत्या में जादूगर जोरावर का हाथ है। ऐसा क्या हुआ था मैजिक शो में जिसकी वजह से जादूगर जोरावर को इलेश का खून करना पड़ा? गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। द ग्रेटेस्ट मैजिशियन जोरावर, दिल थाम के बैठी है। अब जो मैं जादू आपको दिखाने जा रहा हूं, वो दुनिया की किसी भी कोने में ना तो आपने देखा होगा और ना ही सुना होगा। एक मिनट, यहां पे मौजूद सभी इंसानों ने 7,000 रुपए देकर टिकट खरीदी है जोरावर जी का शो देखने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप साबित करें कि आपका जादू जो है वो असली है, कोई फरेब नहीं। हेलो, तुम चाहे कोई भी हो। इलेश नाम है मेरा। इलेश हो या मिथिलेश, आप इस तरह से शो में रुकावट नहीं डाल सकते। सिक्योरिटी, बाहर निकालो ने। एक मिनट, ऐसा क्या गलत बोल दिया इन्होंने? यहाँ पे हम सब ने 7,000 रुपए की टिकट खरीदी है। हक तो हमारा बनता है जानने का कि आपका जादू असली है या नकली। मल्लिका मशहूर जादूगरनी, लेकिन मेरी तरह इतनी कामयाब नहीं हो पाई, इसीलिए सारे हथकंडे शुरू कर दिया तुमने जलन के मारे। कितने पैसे दिए ऐसे तुमने मेरा शो रोकने के लिए? अगर तुम्हारा जादू असली है तो फिर डर किस बात का? हम सबको यहाँ जवाब चाहिए। एक्सक्यूज मी बॉस, ये सब लोग हमें देख रहे हैं, आप प्लीज कुछ कीजिए। आपको जवाब देना होगा बॉस, वरना हम लोगों की रेपुटेशन
मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, मेरा कौन सा जादू देखना चाहेंगे आप सब? एक्सक्यूज मी, वो चेयर उठाकर ये स्टेज पर रखना दो। हाँ तो जोरावर जी, अभी 5 मिनट पहले आप एक कुर्सी हवा में उड़ा रहे थे। मैं चाहता हूँ कि आप ये कुर्सी, वैसे मैं मानता हूँ कि ये कुर्सी आपकी नहीं है, फिर भी मुझे यकीन है कि आप ये कर लेंगे। इस कुर्सी को भी आप उसी तरह हवा में उड़ा के दिखाइए। क्या हुआ सर, कुर्सी में पंख नहीं लग रहे क्या? मैं बताऊं क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि ये कोई जादूगर नहीं है, भाई रुपया है। एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला ना, यही जिंदा कर दूंगा मैं। जादू करता हूं मैं, जादू, और मेरा जादू वहां से जुड़ा हुआ है, ऊपर से, उन आसमानों से। इस आदमी की नेगेटिव एनर्जी से मेरे आत्माओं की तपस्या भंग हो गई है। अब मैं आप सबको और कोई जादू दिखा नहीं पाऊंगा। द शो इज डिसमिस्ड। The show is dismissed. अरे यार फ्रेडी, ये संभालो इनको, मीडिया वालों को। एक मिनट प्लीज, इधर आइए प्लीज, इधर। कुछ भी पूछना है मुझसे पूछिए, आइए प्लीज आइए। एक्सक्यूज मी, क्या पूछना है आपको? आप लोग विलेज के पड़ोसी? हाँ सर। जब ये मर्डर हुआ उसका घर पे कोई आया था या घर से कोई गया थे? नहीं, किसी को नहीं देखा था, बस इलेश की जोर की चीख सुनी थी हमने और फिर तुरंत यहाँ आ गए। तो जब आप यहाँ पर आए किसी को जाते हुए देखा यहाँ से? नहीं सर। आप लोग प्लीज यहीं पे रुकिए। रेडी, घर की हालत देखकर तो लगता है जैसे भूकंप आए यहाँ पे। कमाल है सर, 5-5 चाकुओं से खून हुआ और खूनी घर में घुसा ही नहीं, और लाइव टीवी शो में मर्डर। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? बोले उन्हीं घर में तो घुसा है, ये देखो अपने जूते के निशान छोड़ गए। सर कहीं ये निशान ना इलेश की चप्पलों का तो नहीं है? नहीं, इसके पैर में खून के निशान तो नहीं है, और ये निशान किसी आदमी के लगते हैं, काफी बड़ा साइज है। मैंने को तो मर्डर हवा में हुआ है, लेकिन हवा में हुआ नहीं है। तू भी जरा वो लाइव टेलीकास्ट वाला फुटेज दिखाना मर्डर का। कुर्सी हवा में, चप्पू छुरिया भी हवा में। सर कहीं है जोरावर की आत्मा वाली कहानी सच तो नहीं है? अरे यार फ्रेडी, थोड़ी देर के लिए अपनी कहानी बंद करो यार। चाकू तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है यार, कोई मैकेनिज्म भी नहीं है, ये हवा में उड़े कैसे? और बाहर भागते हुए किसी ने किसी को देखा भी नहीं। सर कहीं
जादू तो नहीं है? अरे जादू भी तो हाथ की सफाई है ना, छलावा है, कोई ना कोई टेक्निक होती है, मैकेनिज्म होता है, यहाँ तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। वो जोरावर के शो में जितने भी लोग आए थे ना, जरा उनकी लिस्ट निकालो। ये देखो, घर के अंदर बाहर आने जाने का एक और रास्ता भी है। सर, सर किचन में ये दो ग्लासेस मिले और इस वाले पे लिपस्टिक का निशान। सर ये देखिए। तो कोई लड़की भी थी यहाँ पे? अगर कोई लड़की थी यहाँ पे तो वीडियो में दिखी कैसे नहीं? वो कुर्सी उड़ी तो उड़ी कैसे, और इलेश ने कुर्सी से नीचे उतरने की कोशिश क्यों नहीं की? वो सारे चाकू जो टेबल पे पड़े हुए थे हवा में उड़ के सीधे इलेश को आके लग गए कैसे? अब इसका जवाब तो ये लिपस्टिक वाली लड़की दे सकती है, फिर या वो आदमी जिसके जूतों का निशान मिला था। पूर्वी, ये बात कंफर्म है ना कि ये जोरावर मल्लिक का अगले कुछ घंटों तक घर पे नहीं होंगे? हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि फ्रेडी और पंकज को टाइम ही ना मिले सर्च करने के लिए। सर 100% कंफर्म है, इंतजाम ही ऐसा किया है मैंने। सर इस मल्लिका को चीफ गेस्ट के तौर पे कॉलेज फंक्शन में बुला लिया, वो वहाँ से शाम 5 बजे से पहले फ्री नहीं हो। चलो अच्छा, और ये जोरावर? सर हमारे डिपार्टमेंट के कुछ खास ऑफिसर्स के साथ इस जोरावर की मीटिंग फिक्स करा दी 5-स्टार होटल में, जहाँ जोरावर इस वक्त बैठ कर नकली पेपर साइन कर रहा होगा दुनिया के 15 देशों में मैजिक शोज दिखाने का। चलो बढ़िया है, उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि हुआ क्या, और तब तक हम अपना काम करके निकल जाएंगे। पर सर एक बात समझ में नहीं आई, हम इनके घर की तलाशी इनके घर में रहते रहते भी तो ले सकते थे, इन्हें घर से बाहर भेजने का प्लान क्यों? अरे दोनों जादूगर हैं, जादूगर, हाथ की सफाई इनके बाएं हाथ का खेल है। हाँ, नाक के नीचे से कब वो लोग वो सबूत इधर उधर कर जाएं, कुछ पता भी नहीं चलेगा। अरे वाह सानू के साहब, इतनी जल्दी खूनी का पता लगा लिया आपने, अब फटाफट नाम भी बता दीजिए। जोरावर या मल्लिक, अब इन दोनों में से वाकई में खूनी कौन है ये पता लगाना भी बाकी है। अब ये क्या बात हुई सर? ये बात इसलिए हुई कि ये जो पांचों चाकू है ना, इन पर जोरावर की उंगलियों के निशान है, और ये जो कपड़ा है इस पर ये जो जूते का निशान है ये भी जोरावर के जूते का ही निशान है। सर फिर तो बात साफ है, खून उसी ने किया है। बात दिन से साफ है नहीं, क्योंकि ये जो वाइन का ग्लास है ना, इस पर ये जो लिपस्टिक है, ये लिपस्टिक मल्लिका की है, और ये जो सारा सामान आप लोग लेकर के आए ना मल्लिका के घर से, इनका DNA मैंने इस लिपस्टिक के साथ मैच करके देखा है, मैच होता है, मतलब ये है कि ये सामान और ये लिपस्टिक मल्लिका की है। लेकिन मल्लिका तो TV शो में कह रही थी कि वो इलेश को जानती नहीं। मैं तो इलेश को जानती भी नहीं हूँ। तो शो से पहले उसके घर पे क्या कर रही थी? अब जोरावर के पास तो कोई वजह थी मारने की इलेश को, इलेश ने सबके सामने उसको नीचा दिखाया था, तो मल्लिका के पास क्या वजह हो सकती है? और सर एक सवाल का अभी भी जवाब नहीं मिला, अगर जोरावर ने खून किया तो वो इलेश के घर पे दिखा भी नहीं। ये जोरावर और मल्लिका, इन दोनों को बुलाओ जरा ब्यूरो में।
आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की, वो भी हमारी गैर मौजूदगी में, और हमारे सामान के साथ आपने छेड़खानी करी। अब मैं आप लोगों पे केस करूंगा, समझ गए? सीआईडी को मुजरिमों के घर में घुसने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती। रही बात केस की, तो तुम दोनों पे चलने वाला है। तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि तुम इलेश को नहीं जानते, बताओ। सर आप मुझे इसके साथ 2 मिनट दे दीजिए, फिर देखिए ये सब कुछ कैसे बताती है। अब आप लोग मुझ पे हाथ उठाएंगे? नहीं, हम ऐसा चाहते तो नहीं थे, लेकिन अब ये आप दोनों के बीच की बात है तो फिर चलो। गए नहीं, नहीं रुकिए, अब मैं आपको सब सच बताती हूँ। ये सच है कि मैं इलेश से मिलने गई थी। एक्चुअली मैं उसे एक ऑफर देना चाहती थी, क्योंकि मैं जोरावर को हमेशा से ही बर्बाद करना चाहती थी। बट ट्रस्ट मी, ये खून मैंने नहीं किया है, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। मुझे पहले से पता था, मेरे शो को खराब करने के लिए तुमने उसे पैसे दिए। मैं उससे कभी मिली भी नहीं थी। मैंने उस दिन उसे तुम्हारे शो में पहली बार देखा था, और उसके बाद मैं उससे मिलने गई थी, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम उसका खून कर दोगे। मैंने उसका खून नहीं किया। तो फिर जोरावर, तुम्हारी उंगलियों के निशान उस चाकू पे कैसे आए? सर आपको गलतफहमी हो रही है। तुम्हारा नाम जोरावर है? जी नहीं सर, बस। तो चुपचाप वहीं खड़े रहो, जब सवाल पूछा जाए तब मुंह खोलना। तो जोरावर तुम बताओ, खून कैसे किया? मैंने ये मर्डर नहीं किया है। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, अदालत में सबूत चाहिए, सबूत जो तुम्हारे खिलाफ है। मेरे खिलाफ सबूत है ही नहीं, क्योंकि मैं एक वक्त पे दो दो जगह मौजूद हो ही नहीं सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि सर, जिस वक्त इलेश की मौत हुई, ठीक उसी वक्त जोरावर सर दिल्ली में जादू दिखा रहे थे। माना कि मैं बहुत बड़ा जादूगर हूं, लेकिन इतना बड़ा जादूगर नहीं हूं कि एक वक्त पे दो दो जगह मौजूद रह सकूं। अगर आपको इस वीडियो पे विश्वास ना हो, दिल्ली के उस ऑर्गेनाइजर को फोन कर सकते हैं। दक्ष, नंबर देना इनको। यस सर। मैं जा सकता हूं? जा सकते हो, और आप भी। थैंक यू सर। सर ऑडियंस में जितने भी मेंबर्स थे सबकी मोबाइल लोकेशन चेक की। सर जिस वक्त इलेश की मौत हुई थी, उस वक्त उसके घर के आसपास कोई भी नहीं था। अरे किया धरा तो इस जोरावर का ही लगता है, मगर किया कैसे? अब एक ही सवाल 1000 बारी पूछेंगे और एक ही जवाब दूंगा मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सीएडी इलेश के खूनी को ढूंढने में इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रही है। मुझे पता है उन आत्माओं ने इलेश का खून किया है, मेरे शो में अपमान किया था इलेश ने। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, जादूगर जोरावर को लगता है कि इलेश का खून आत्माओं ने किया है। तो देखने वाली बात यह है कि आपको क्या लगता है कि इलेश का खून आत्माओं ने किया है या फिर किसी इंसान ने? क्या बकवास कर रहे हैं सर? इस इलेश की मौत के बाद तो जोरावर और भी मशहूर हो गए। इसे देश विदेश से काफी सारे शोज के लिए फोन आने लगे, और तो और इसने अपनी फीस भी दुगनी कर दी है। अच्छा, जोरावर को अच्छा खासा फायदा हो रहा है इस इलेश की मौत का। इस जोरावर तक पहुंचने के लिए इलेश की पूरी कुंडली निकालनी पड़ेगी। अचानक कहां से पड़ गया जोरावर के पीछे? और सर, इलेश एक छोटा पत्रकार था, किसी छोटे अखबार के लिए लिखता था। सर उसकी हालत भी खराब है। छोटा पत्रकार और हालत भी खराब। अगर मल्लिका ने इस इलेश को नहीं कहा था जोरावर के शो में रुकावट बनने के लिए, तो फिर ये सब पछाड़ी में पड़ा कैसे? वो कुछ को समझ में आ रहा है यार, इस इलेश के ऑफिस को छान मारते हैं।
आइए सर। साहब आप लोगों ने आने में काफी देर कर दी। पिछले कुछ महीनों से अखबार घाटे में चल रहा था, इसलिए पिछले महीने से बंद पड़ा हुआ है। इस इलेश के बारे में कुछ बताओ, कैसा पत्रकार था ये? बहुत ही फालतू आदमी था साहब, न्यूज छुपाने के एवज में भी पैसा लेता था, और साहब बहुत ही बेईमान आदमी था वो। सर आप अंगज, ये देखिए सर, इलेश जादूगर के गेटअप में, और यहाँ साउथ इंडियन में कुछ लिखा हुआ है। मलयालम, कमाल है, ये मैजिक शो की इंफॉर्मेशन मलयालम में लिखी हुई। ये पत्रकार से मलयाली जादूगर का वर कैसे बन गया इलेश? अरे इधर आओ। यस सर। क्या ये क्या है, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम्हारा बॉस जो है जादूगर बन के घूम रहा है, तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जादूगर कब बन गया बॉस? और जादूगर साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार जादू, हाँ बोलिए। अच्छा हाँ ओके ठीक है, उसके मोबाइल को ट्रैक करते रहना ठीक है। जोरावर का असिस्टेंट रोशन पिछले हफ्ते 3 बार गया था इलेश से मिलने के लिए, और मैजिक शो से 1 रात पहले भी बात हुई थी उसकी उससे। रोशन तेज भागेगा तो चक्कर आके गिर जाएगा, ये समझा? छोड़ दो मुझे, जाने दो। जाने भी देंगे छोड़ भी देंगे, पहले ये बता इलेश के साथ तेरी क्या डीलिंग चल रही थी? मेरी डीलिंग? हाँ डीलिंग, क्यों मिला था इलेश से 2 बार? इलेश, मैं किसी इलेश को नहीं जानता। ये ड्रामा बन का समझा, तेरी पूरी लिस्ट है मेरे पास, तू कब और कहाँ मिला था उससे, तेरे मोबाइल फोन के रिकॉर्ड सब। तो ये बताइए इलेश नकली मलयाली जादूगर बन के क्या करने वाला था? नकली मलयाली जादू, लेकिन उसने तो मुझसे कहा था कि वो केरला का बहुत बड़ा और मशहूर जादूगर है, उसने मुझसे झूठ कहा था क्या? वो हम डिसाइड कर लेंगे, तो कल ये बता तू इलेश से कब कहाँ और क्यों मिला था? उसने मुझसे एक ऑफर दिया था, उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसकी मदद करूंगा और जोरावर को बदनाम करने में उसकी हेल्प करूंगा तो वो मुझे जोरावर से भी ज्यादा 5 गुना ज्यादा सैलरी देगा, और 6 महीने में वो मेरा खुद का मैजिक शो लॉन्च करने वाला था। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था सर कि वो मुझे जोरावर की तरह ही द ग्रेट मैजिशियन रोशन बनाएगा। तुझे इसे कहाँ मिला था? उसी के घर पे मैंने मीटिंग की थी 3 हफ्ते पहले से, और वहीं मैंने जोरावर के सारे मैजिक ट्रिक्स के सीक्रेट उससे शेयर किया सर। यार जरा एक बात बताओ, ये जो जोरावर है वो चम्मच को बेंड कैसे कर देता है? क्या इसमें भी आत्माएं जो हैं उसकी मदद करती हैं? अरे ले साहब, कोई आत्मा आत्मा नहीं, ये दुनिया को बेवकूफ बनाता है जोरावर, द ग्रेट मैजिशियन जोरावर। चम्मच पर एक रबर होता है, रबर को थोड़ा एडजस्ट करता है और चम्मच
मरता है। अरे बाप रे, मतलब इतना बड़ा धोखा। अच्छा तो वो जो लड़की को हवा में उड़ाता है वो जादू कैसा करता है? सर बाएं हाथ का खेल आप भी कर सकते हैं। कैसे? लड़की जब टेबल पर लेटती है, जो टेबल रहता है उसको सपोर्ट मिलता है एक मेटल रॉड से। अब आप बोलोगे कि मेटल रॉड तो दिखता नहीं है। कैसे दिखेगा सर? चादर से ढका होता है ना मेटल रॉड। जोरावर जब प्लेटफॉर्म पर आता है परफॉर्मेंस देने के लिए, उसी वक्त चादर को निकाला जाता है। जोरावर वो मेटल रॉड को हाइड करता है, एडजस्ट करता है। यहाँ पर दोनों वुडन स्टैंड हटा, लोगों को लगता है कि लड़की बीच में कैसे लेटी है। सब इल्यूजन होता है सर। अभी ये कोई जादू वादू है नहीं, नहीं। सिर्फ हाथों की सफाई है। यस सर। सर वो सब छोड़ो ना, आप मुझे ये बताओ कि मेरा मैजिक शो कब लॉन्च करोगे? सर होगा बेटा, बहुत जल्दी होगा। ये इलेश पहले नकली जादूगर बना, फिर इस रोशन से झूठ बोल के इसका विश्वास जीता, फिर जोरावर की सारी मैजिक ट्रिक दिखाने को बोला। हाँ? क्या वजह हो सकती है? कोई जादूगर तो था नहीं, वो एक मामूली सा पत्रकार था। ना, पत्रकार था जो नकली जादूगर बना और जोरावर की मैजिक ट्रिक देख। कहीं ये जोरावर का पर्दाफाश तो नहीं करना चाहता था, इस चक्कर में कुछ स्टिंग ऑपरेशन वगैरह कर रहा था। स्टिंग ऑपरेशन? अगर ऐसा है तो उसके घर पे स्पाई कैम लगा होगा। एक यहां भी है। यहां पे स्टिंग ऑपरेशन हो रहा था, शायद इलेश ने इस जोरावर का ये स्टिंग ऑपरेशन करके किसी न्यूज चैनल को ये फुटेज बेचने का चक्कर होगा उसका। उसने सोचा होगा कि शायद उसके करियर की गाड़ी फिर से पटरी पे आ जाए। सर अगर उसके पास इतनी सारी फुटेज थी तो उसने ये फुटेज किसी न्यूज चैनल में भेजी क्यों नहीं? शायद ब्लैकमेल कर रहा होगा इस फुटेज के जरिए जोरावर को, इसीलिए जोरावर ने अपने रास्ते का काटा हटा दिया। लेकिन सर हम घूम फिर के उसी बात पे आ गए, जब जोरावर दिल्ली में था तो उसकी उंगलियों के निशान चाकू पे कैसे? ये तो डॉक्टर सालू के ही बता पाएंगे। आप लोगों ने फिर से मुझे बुला लिया, टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप लोग मेरा। वैसे कोई ठोस सबूत है भी या नहीं मेरे खिलाफ आप लोगों के पास? शराब पीते हो? अब आप लोग मुझे शराब पिलाएंगे? हाँ सॉरी, दिन में नहीं पीता हूं। तो रात को पीते हो? पीता हूं डिनर के बाद, एक आध लवली लवली लगा लेता हूं मैं। बट बात क्या है? बात क्या है? बात जानना चाहते हो ना? ये जो चाकू मिले ना क्राइम स्पॉट पर, इसमें तुम्हारी उंगलियों के निशान है और उसमें सूखे हुए पसीने में मुझे बहुत ज्यादा मात्रा में शराब के अल्कोहल के ट्रेसेस मिले हैं। लवली लवली नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में। अब शराब मिली, शरबत मिला, पालक का पनीर, मुझे क्या पता? बताया ना मैंने, खून के वक्त मैं दिल्ली में था, और कितनी बार बताऊंगा मैं? हवा में उड़ना बंद कर समझा, वरना सीआईडी को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तेरे पर कतरने में। इतने सबूत काफी हैं तुम्हें जेल में पटकने के लिए, लेकिन हम लोग सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं इसलिए बात कर रहे हैं। जितना पूछा जाए उसका जवाब दो बस। ठीक है,
पूछे क्या पूछना चाहते हैं? हो सकता है शायद किसी ने तुम्हें फंसाने के लिए तुम्हारे उंगलियों के निशान चाकू पे ले लियो जब तुम शराब पी के धुत थे। मुझे कौन फंसाएगा? देखिए यकीन कीजिए ये खून आत्माओं ने किया है। चुप, बकवास बंद। तुम्हारे जादू का राज तुम्हारे असिस्टेंट रोशन ने हमें बता दिया है। आप जो भी बोलोगे सिर्फ सच सच बोलोगे। ये बताओ कि आखिरी बार शराब पी के तुम इस कदर बेहोश कब हुए थे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है? बताया ना, मैं डिनर के बाद एक आध पैग ले लेता हूँ, लेकिन इतनी नहीं पीता कि बेसुध हो जाऊं मैं। एक मिनट, एक मिनट। जिस दिन मेरा मैजिक का शो था उससे दो दिन पहले हम लोगों ने होटल पैंपोश में पार्टी दी थी। उस दिन होटल में मैंने ज्यादा पी ली थी और नींद भी आ गई थी। जब मैं सुबह उठा तो होटल के कमरे में था और होटल वालों ने मुझे उठाया। कहने लगे चेकआउट टाइम है, 12 बज गए थे। उस होटल की फुटेज चेक करनी पड़ेगी। सर सर वो होटल नहीं कबूतर खाना है। जोरावर के फ्लोर का सीसीटीवी कैमरा बंद पड़ा है। कमरे के अंदर एक भी उंगली के निशान नहीं है सर। और वो स्टाफ को पता ही नहीं है कि उस वक्त मास्टर की यूज हुई थी या नहीं। मतलब होटल से कुछ नहीं पता चला। डेड एंड। एक बात तो है सर, इलेश का खून किसी जादूगर ने किया है, क्योंकि वो उड़ती हुई कुर्सी और चाकू जादू का ही हिस्सा था। जादूगर तो इस केस में तीन ही लोग हैं, जोरावर, मल्लिका और रोशन। एक बड़ा विजय, एक और जादूगर भी तो है इस केस में। इस पे ध्यान क्यों नहीं गया हमारा? जोरावर की दूसरी असिस्टेंट रुशाली। पूर्वी एक काम कर, इस रुशाली का मोबाइल फोन ट्रैक करो, पता करो मर्डर से पहले और उसके बाद उसका लोकेशन क्या था। ओके। सर ये रुशाली के बारे में तो हम लोग भूल ही गए। सर सर ये देखिए, रुशाली मर्डर से पहले अपने कॉलेज गई थी, फिर घर गई थी और फिर जू के कॉफी शॉप पे, उसके बाद जोरावर के मैजिक शॉप पे। रुशाली लगातार दो रातों से अपने कॉलेज भी जा रही थी, रात 1 बजे। दो रातों से लगातार कॉलेज जा रही थी, वो भी रात को 1 बजे। इतनी देर रात को वो कॉलेज क्या करने गई होगी? फोन से 2 दिन पहले इसने एक हार्डवेयर की दुकान के भी कई चक्कर लगाए। इलेश के मर्डर के वक्त लोकेशन क्या थी उसके फोन की, जरा देखो। सर उसका फोन बंद था। फोन बंद था? गड़बड़ा है रुशाली, कॉलेज चल के देखते हैं। इतनी रात गए वो कॉलेज क्या करने गई थी? साहब हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। गलती? इसे गलती कहते हो? इतनी रात गए रुशाली को कॉलेज के अंदर आने दिया ही क्यों? साहब रुशाली मैडम खर्चे पानी के लिए कुछ पैसे दे दिया करती थी लैब के अंदर जाकर काम करने के लिए। रिश्वत ले रहे थे? अभी सोचा नहीं कि वो एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे रही है? पढ़ाई दिन में होती है ना, रात में क्या कर रही थी लैब में? हमने भी उनसे यही पूछा था सर, तो उन्होंने कहा एक खास एक्सपेरिमेंट कर रही है वो, एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट है जो उन्हें कॉलेज से मिला है। आइए, ये मनोज है उस लैब के असिस्टेंट जहाँ पे रुशाली एक्सपेरिमेंट कर रही थी। मनोज ये रुशाली क्या एक्सपेरिमेंट कर रही थी यहाँ पे? सर वो एक काफी बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार की कोशिश कर रही थी। मैग्नेट का आविष्कार, तो तुमने उसे रोका नहीं ये सब करने से? नहीं सर, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई के अलावा कुछ करना चाहे वो भी कॉलेज की टाइमिंग्स के बाहर, तो हम उसे बढ़ावा ही देते हैं। हाँ मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो यूं रात को चोरी छिपे भी ये सब कर रही है। यार इसका मतलब ये रुशाली का इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला प्रोजेक्ट कामयाब हो गया था, तभी तो वो इलेश की कुर्सी और वो चाकू हवा में उड़ा पाई। सर मिस्टर प्रभाकर
जादू के एक्सपर्ट। हेलो सर। प्रभाकर जी, बड़े बड़े जादूगर अपनी कला का राज किसी डिब्बे में बंद करके रखते हैं। चूंकि आप तो जादू के एक्सपर्ट हैं, तो राज के बारे में आपको तो पता ही होगा। तो सर, इलेश की मौत का नजारा देख के किस नतीजे पे पहुंचे आप? कैसे हुआ होगा उसका खून? मैंने इलेश की मौत का सीन बार बार रीप्ले करके देखा है। मुझे लगता है उसकी मौत में मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट या वायर्स के कॉम्प्लेक्स ताना बाना से हुआ है। आपने तो जोरावर के जादू के कई शोज देखे होंगे, आपको लगता है कि ये मैग्नेट और करंट, तारों का ताना बाना, इस तरीके का काम जोरावर अपने जादू में करता है? नहीं सर, ये सब जोरावर की स्पेशलिटी नहीं है। आप सर ठीक से जरा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये चुंबक वगैरह कैसे इस्तेमाल हुआ होगा इलेश की मौत में? सॉरी सर, वो सब बता पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो आप ये यकीन से कह सकते हैं कि ये सब किया दरा जोरावर का नहीं है, क्योंकि उसे मैग्नेट और ये करंट तारों का इस्तेमाल करना ठीक से नहीं आता? चुंबक का इस्तेमाल भले ही नहीं आता, पर फिजिक्स में वो अच्छा है, इसीलिए खूनी वो भी हो सकता है। शायद चुंबक वाले पार्ट के लिए उसने किसी की मदद ली हो। I see. किसने बुलाया मुझे यहाँ पे? मैंने बुलाया है ये जानने के लिए कि तुमने इलेश को क्यों और कैसे मारा। मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुम्हारे कॉलेज का वॉचमैन और लैब असिस्टेंट कुछ और ही कह रहे हैं। कौन है वहाँ? सामने आओ। मेरे पास आओ। कौन हो तुम? अपना हाथ दो। तुमने इलेश को क्यों और कैसे मारा? मैंने किसी को नहीं मारा। तुम सच नहीं बोल रही हो, इसलिए मुझे ये सब करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। पर तुम हो कौन और इलेश की मौत के बारे में क्या जानती हो और क्या करने वाली हो तुम? इतनी भोली मत बनो। ये जादू तुमने कई बार किया है जोरावर के साथ, याद आया? नहीं, ये बहुत सही नहीं है जादू के लिए, इसमें मेरी जान जा सकती है। नहीं नहीं, अगर तुम सच नहीं बोलोगी तो इस बॉक्स में तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मगर अगर तुम सच बोलोगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, यकीन मानो। चलो। नहीं, छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने कुछ नहीं किया है ना, तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। आओ, घबराओ मत। आओ। नहीं, हाँ मैं मानती हूँ कि इलेश की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। क्या चाहती हो तुम? कितने पैसे चाहिए बोलो। थैंक यू मल्लिका जी, तो ये बॉक्स बनाकर आपने इस केस को सुलझाने में हमारी मदद की। अब आप हमें बताएंगे कि आपने इलेश का खून क्यों किया? वो उसके कहने पे। तो उसके किसके? बुलाया मुझे यहाँ? बोला था ना जब तक केस ठंडा नहीं होता मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो मैं उसने नहीं, हमने कांटेक्ट किया तुम्हें। तो मिस्टर दक्ष, क्यों मारा तुमने इलेश को? इलेश के पास उस बेवकूफ रोशन की स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज थी।
और इलेश मुझसे उस फुटेज के 25 लाख रुपए मांग रहा था। तो वो ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए उसे जान से मार दिया। मैंने इलेश को 25 लाख नहीं 2.5 करोड़ रुपए दिए थे, क्योंकि मेरे दिमाग में एक प्लान था। मलिका पिछले कई महीनों से जोरावर पे कई तरह के इल्जाम लगा रहे थे, तो मैंने सोचा कि इलेश को इस्तेमाल करके जोरावर को जादू की दुनिया का सबसे बड़ा बेताज बादशाह वापस बना दूँ। वैशाली के एक्सपेरिमेंट्स को इस्तेमाल करके मैंने ही इलेश के मर्डर का प्लान किया था। क्या बात है दक्ष, तुमने मुझे इतना अर्जेंटली मिलने के लिए क्यों बुलाया? वैशाली, मैं तुमसे हेल्प चाहता हूँ इलेश को रास्ते से हटाने में। ये क्या मजाक है दक्ष, तुम मुझे अब किसी का खून करने के लिए कह रहे हो? मैं तुमसे जान लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमसे हेल्प चाहता हूँ कि तुम थोड़ा इंतजाम कर दो अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए, और इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। इलेश को पूरा प्लान मालूम था कि लाइव शो के दौरान उसकी कुर्सी हवा में उड़ेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जरिए, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि उसका खून हो जाएगा। मुझे भी नहीं पता था तुम धोखे से मेरे उंगलियों के निशान चुरा कर तुम चाकुओं पे लगा देगा और मुझे फंसा देगा। फंसा देगा? अरे मैंने तो तुम्हें देश विदेश में फेमस कर दिया, सुपरस्टार बना दिया। 10 लाख रुपए नहीं होते थे तुम्हारे अकाउंट पे, और आज 10 करोड़ है। किसकी वजह से? मेरी वजह से। मगर तुम्हारा फायदा क्या? अफसोस, पैसों का इस्तेमाल करने के लिए तुम बाहर नहीं रह पाओगे। इलेश के खून के जुर्म में अदालत कड़ी से कड़ी सजा देगी तुम्हें, जिंदगी भर जेल में सड़ोगे तुम। ले जाओ इन लोगों को। थैंक यू सो मच सर, अगर आप लोग नहीं होते तो दुनिया यही समझती कि इलेश का खून मैंने किया। कोई बात नहीं, लेकिन आप ये आत्माओं जैसी बेबुनियाद बातें करके प्लीज लोगों को गुमराह ना करें। सॉरी सर, गलती हो गई और इस गलती का एहसास भी कर चुका हूं मैं। अपने चाहने वालों से भी मैं माफी मांग लूंगा। गुड। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।